अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है जनाब आप लोगों के? आप खैर खैरियत से होंगे यकीनन। बताना ये था कि आज मैं फिर एक दफ़ा रोड पर हूँ और आज हम जहाँ जा रहे हैं वो मेरे काफ़ी अच्छे से ख्वाहिश थी कि हम क्वेटा जाएँ। आज क्वेटा जा रहे हैं और इस्लामाबाद में आप देख सकते हैं, अगरचे ये कोई रश आर नहीं है लेकिन फिर भी बहुत से इशारे पड़ते हैं हमें। जब हम यहाँ से इस्लामाबाद से एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं तो काफ़ी रश मिलता है हमें, तो ऐसा ना समझे कि रश नहीं होता। और देख सकते हैं कि इस वक्त हम कश्मीर हाईवे, बल्कि अब जिसे हम कहते हैं कि श्रीनगर हाईवे, तो ये है वो हाईवे जिसका नाम चेंज किया गया, हम उस पर रवा दवा हैं अपने एयरपोर्ट की तरफ। इशारा इस वक्त खुल गया है और आप देख सकते हैं कि अभी हम दोबारा इस रोड पर रवा दवा हैं। इस्लामाबाद की सड़कों की अपनी बात, नो डाउट द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन पाकिस्तान, मोस्ट प्लान, लेकिन इस वक्त हम क्वेटा जा रहे हैं। और इस्लामाबाद के जहाँ हाईवेज़ खूबसूरत है तो वहाँ पर ग्रीनरी का भी अपना ही कोई इसका सानी नहीं है। और इस वक्त जहाँ से हम गुजर रहे हैं ये नस्ट यूनिवर्सिटी का एरिया है और आप मेरे राइट साइड पर देख सकते हैं कि ये वो प्रोजेक्ट है जो कि नवाज शरीफ ने स्टार्ट किया था, लेकिन अभी तक 2 साल गुजर गए हैं, अबैंडन पड़ा हुआ है, कोई सब पुरसान हाल नहीं है, लेकिन ये रोड एयरपोर्ट तक लेके जाता है। और ये जो मेट्रो आप देख सकते हैं, मेट्रो की लाइन स्पेशली एयरपोर्ट के मुसाफिरों के लिए चलाई गई है ताकि एयरपोर्ट के जो चूँकि नया एयरपोर्ट है वो बहुत दूर है यहाँ से इस्लामाबाद से, तो उन मुसाफिरों को फैसिलिटेट करने के लिए, लेकिन कोई तवज्जो नहीं। फाइनली वी आर एट द एयरपोर्ट, वी आर एंटरिंग द एयरपोर्ट विसिनिटी एंड आई कैन शो यू अराउंड हियर सम ऑफ द इंस्टॉलेशंस वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस साइड। Finally at our destination, almost, but it's real, not real, the real destination here. We have still a long journey ahead. We have to embark from here for Quetta. Check post, bahut main check post hai ye idhar. Almost entering the Islamabad International Airport and it's a drop plane. First you will see it's a international terminal, but we have to go to the domestic one. Let's see here, it's quite humongous speed breaker. और एयरपोर्ट खाली पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं, नॉर्मली जब ये कोविड की सिचुएशन नहीं थी तो ये एयरपोर्ट भरा हुआ था। और ये है इसका डोमेस्टिक टर्मिनल, सो लेट्स मूव ऑन। सो हियर इज द डोमेस्टिक फ्लाइट टर्मिनल, डोमेस्टिक डिपार्चर, इट्स अ ब्यूटीफुली डन, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, ब्यूटीफुल डिजाइन। Here we go, we have already entered in the airport and now we are about to embark. This is our plane. Batch laga hua hai. जी तो फाइनली वेलकम टू क्वेटा, वी आर हियर इन क्वेटा, लैंडेड सेफली बट एट द एंड इट वाज अ बम्पी फ्लाइट एट द एंड।
नया एयरपोर्ट लग रहा है। जी तो फाइनली वी आर एट आवर ओन डेस्टिनेशन वेयर वी विल बी स्टेइंग, इट्स क्वेटा सरीना होटल। किसी ने बताया कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी है, बड़ी दिलकश। इस वक्त जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हम बलोचिस्तान क्वेटा में जाकर सज्जी ज़रूर खाएंगे, क्योंकि सज्जी जो है वो लहड़ी की सज्जी ऑथेंटिक है, और इस वक्त हम ये लहड़ी सज्जी हाउस मौजूद है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। और ऑथेंटिक कहते हैं इसको क्योंकि 1967 से ये लोग सज्जी बना रहे हैं इस जगह पर, लेकिन असल में ये सज्जी जो है वो इनका जो एरिया है कुचलाक उस साइड पर बनती है, और लेकिन यहाँ पर भी इनका बिज़नेस काफ़ी मशहूर है और क्वेटा में खसूसन बहुत ऑथेंटिक सफ़र की जाती है। कुचलाक में भी इनका वहाँ पर भी एक आउटलेट है, इसके अलावा भी क्वेटा में कुछ इनके आउटलेट्स हैं, लेकिन चूंकि अब एक ब्रांड इस्टेब्लिश हो गया और जैसे ही पाकिस्तान में आपको पता ही है कि ब्रांड इस्टेब्लिश हो जाए तो फिर उसके बाद उसके बहुत सारे और भी वर्जन्स निकल आते हैं, लेकिन ये एक ऑथेंटिक प्लेस है क्वेटा के अंदर अगर आपने सज्जी खानी है। और सज्जी के बारे में एक और मैं बात बता दूँ आपको, चिकन विकन वाली कोई सब्जी नहीं होती, ये हमेशा मटन की होती है। ये देखिए जी, इस वक्त सब्जी बन रही है, जबकि आपको ये सब्जी बकरे की दुम्बे की यहाँ पर मौजूद है, और लेकिन दरमियान में इन्होंने चिकन की भी लगा रखी है, चूँकि हमारे पंजाब से या सिंध से जो मुख्तलिफ लोग आते हैं, दोस्त आते हैं, तो उन्होंने चूँकि सिर्फ अपने उन एरियाज में यही चिकन वाली सब्जी खाई हुई है, तो फिर उनके लिए ये भी यहाँ पर सर्व करते हैं, लेकिन असल सब्जी जो है वो दुम्बे की या बकरे की होती है मटन। तो ये देख रहे हैं कि ये भाई साहब बना रहे हैं सब्जी, यहाँ पर हम इनसे बात भी करेंगे कि ये सब्जी क्यों इतनी मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अगर आपसे थोड़ी सी बात कर सकूँ। सर थोड़ा सा बताएँ कि सब्जी आपकी इतनी मशहूर क्यों है? सर मशहूर हम लोग का असल में सकाफत है, बलूची बलोची सकाफत है। जी सर। तो किस एरिया की ये खास पहचान है ये सज्जी? खास बलूचिस्तान में। किस कोई खास बलूचिस्तान में कोई जगह भी होगी ये? सर डेरा बुकटी है। डेरा बुकटी में? जी सर। और वहाँ से? और कहते हैं कि लहड़ी जो कबीला है वो इसको सही बनाता है। जी बिल्कुल। तो आप लहड़ी हैं? मैं खुद रिंद हूँ। आप खुद रिंद हैं? जी सर। तो लहड़ी फिर क्यों यहाँ पर, लहड़ी क्यों नहीं बैठा हुआ यहाँ पर? तो लहड़ी हम लोग के बड़े भाई होटल। अच्छा ठीक है, तो हम इनसे भी बात करते हैं, जो शेफ है इनका वो रिंद है, मेरे कबीले से है, मैं भी रिंद हूँ, लेकिन हम इनसे बात करते हैं कि लहड़ी है तो ये हमें बताएंगे कि क्या खसूसियत है, क्यों लहड़ी ही ऑथेंटिक समझे जाते हैं सज्जी के बारे में। सर ये हम लोग का खाना है, तो हमारे परदादा से हमारे चलता रहा सिलसिला। ठीक है जी हाँ, पकाने के हम लोग मायर हैं। अच्छा, जो भी यहाँ पे और शाखा खुले हुए तो हमसे सीख के ठीक है। तो थोड़ा सा भी बता दें कि जब सज्जी आप ये बनाते हैं तो इस सज्जी को किस तरह बनाते हैं, कोई थोड़ी सी रेसिपी शेयर करें। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों से आपने उनको सिखाया है ये। जी जी हाँ, सज्जी सर ये एक साधा डिश है, ये सिर्फ नमक लगता है इसके ऊपर, नमक लगा के इसके बाद इसको छोड़ते हैं आधा घंटा। अच्छा, उसके बाद सीख में लगा के सीख में के बाद आग पे लगेगा, इसको 3 से 4 घंटा लगता है एक सब्जी को पकने में। अच्छा, 3 से 4 घंटे। जी हाँ। तो मैंने ये सुना हुआ है कि ये जो चिकन की सब्जी होती है ये सब्जी असल सब्जी वो नहीं होती? नहीं, है सब्जी असल मटन का आता है, मटन दुबे का होता है और बकरे का होता है। बकरे का होता है। तो ये फिर आप ये किसके लिए पका के रखी हुई है आपने ये? सर यहाँ पे जो बाहर के लोग आते हैं ज्यादा चिकन पसंद करते हैं,
अच्छा। और यहाँ जो मकामी लोग हैं मटन ज्यादा खाते हैं असल, तो ये भी कहते हैं कि इसको हजम करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, इसके अलावा भी हमें बताएं कि बलूचिस्तान के अंदर और कौन कौन सी ऐसी डिशेज हैं जो बड़ी कमाल की हैं, जो बलोची डिशेज हैं। बलोची डिशेज में आता है कढ़ी कबाब, हमारे पास यहाँ पे मशहूर है, कढ़ी कबाब बनता है यहाँ पे। अच्छा, और रोस्ट और यहाँ पे बहुत मशहूर है, काबुली रोस्ट के नाम से होता है। ठीक है, काबुली पुलाव भी यहाँ पे बहुत मशहूर है। तो ये दम पोख तो, और ये क्या, ये क्या चीज़ें हैं सर? ये भी यहाँ का सकाफती खाना है दम पोख। अच्छा जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना नाम तो बताया नहीं। मोहम्मद इमरान लहरी। मोहम्मद इमरान है। तो दोस्तों, मोहम्मद इमरान लहरी साहब ने हमें थोड़ी सी इसकी रेसिपी बता दी कि ये बहुत सिंपल सी डिश है और सिर्फ आपने नमक लगा के आधा घंटा पौना घंटा इसको छोड़ देना है, और फिर इसको जब आप इसको लगाएंगे आग के इर्द गिर्द तो कम अज़ कम आपको चार घंटे लगेंगे इसको पकाते हुए। तो जो इसकी ख़ास बात है वो ये कि आपने इसको इसी तरीके से इस सेक के इर्द गिर्द रख कर और इसको वेल डन करना है, सही वेल कुक करना है। तो ये होगी हमारे ये दोस्त भी कुछ बात करना चाह रहे हैं। ये भी सर आप यूट्यूब चैनल का पता है? हाँ, बलोच ट्रैवलॉग। बलोच ट्रैवलॉग। तो साथ साथ मैं अपने इसकी मशहूरी भी कर लूँ। साइड पे है ये जिनार रोड। अब इस एंट्रेंस से इधर अंदर आते हैं और आप ये जगह बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये भी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये देखिए जी, वाह, ये इसको रोटी को इन्होंने ख़ास तरीके से इसको हम तो उसको हाथ से चौड़ा करते हैं, ये हवा में फेंक के चौड़ा करते हैं। तो अभी एक दफ़ा फिर इनके ये इसका मुजाहरा देखते हैं। और ये चपाती हैं, क्या बात है जनाब इनके इस स्किल की। ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये देखिए जी, जबरदस्त। और फिर ये इसके बाद, वाह, और ये विद इन फ्यू सेकेंड इट्स रेडी। और ये इन्होंने कढ़ाई रखी हुई है, कढ़ाई के ऊपर एक दफ़ा उधर से पकाया और एक दफ़ा इधर से पका के उसको फौरन उतार देते हैं। और ये सब्जी के साथ ये रोटी यहाँ पर ये सर्व की जाती है, ज़बरदस्त। पाकिस्तानी खाने और बलोची खानों की तो मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें एक कर्तव्य करके दिखाया। और सब्जी हमारी तैयार हो रही है, हमने इसका ऑर्डर यकीनन दे दिया, मेरे साथ जो मेरे दोस्त बैठे हैं। तो जब ये बन के आ जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसी है। जी दोस्तों, तो फिर सब्जी हमारी आ चुकी हुई है टेबल के ऊपर, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा लाइट का इशू है लेकिन थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ करीब से। ये दस्ती है और ये रान है, और हम इसको भी खाने लगे हैं। चपातियों के साथ इसको सर्व किया गया है, वही चपातियाँ जो हमने देखी थोड़ी देर पहले कि वो बन रही थी उस वक्त, और उस वक्त हमारे अब ये टेबल पे मौजूद हैं। उसको सर्व किया है उन्होंने सैलेड और दही के साथ, ये इसका रवायती खाने का स्टाइल है। हमीदुल्ला का सेरा सुवाना लगता है, अरे यारों का तो दिल दीवाना लगता है। ओछे कलमों से बदा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा हर अपने गीत का दामन। हमीदुल्ला का सेरा सुवाना लगता है, अरे दोस्त का तो दिल दीवाना।